हमारे चैनल रोशनी की बात में आपका स्वागत है। आज का प्रेरक प्रसंग है, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। एक गांव में एक काफी धनवान सेठ रहते थे, नाम था जिनका संपत राव। धन संपदा ऐशो आराम की उनको कोई कमी न थी, परंतु पुत्र सुख उनके भाग्य में न था। बड़े जतन पूजा पाठ करने के बाद सेठानी को पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को ही बड़े लाड प्यार से एक पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सेठानी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने का कहती रहती, लेकिन सेठ जी पुत्र सुख उनके भाग्य में न होने की बात कहकर सेठानी जी की बात को टाल जाते। सभी बेटियों की तरह सेठ जी की बेटी भी शादी योग्य हुई। सेठ जी ने तय समय पर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी एक धनवान व्यक्ति से कर दी, परंतु बेटी के भाग्य में धन सुख न था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटी का पति जुआरी और शराबी हो गया। शराब और जुए में उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी को इस तरह दुखी देखकर सेठानी जी भी दुखी होती। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर अपनी बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा, आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन यहाँ हमारी खुद की बेटी दुखी है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि जिस तरह उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, ठीक उसी तरह बेटी के भाग्य में भी अभी सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान, अभी उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद को तैयार हो जाएंगे और खोई हुई धन संपदा फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को तो अपनी बेटी के दुख की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने बड़ी आवभगत से अपने दामाद का आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार मन में आया और उन्होंने सोचा, क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं के बीच में सोने की अशर्फियां रखकर बेटी के घर भिजवा दी जाए। बस सेठानी जी के सोचने भर की देर थी, उसने जल्दी से देसी घी में मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक एक सोने की अशर्फी लड्डुओं के बीच रख दी। फिर उसने दामाद के माथे पर टीका लगाकर शगुन में वही देसी घी के लड्डू देकर विदा किया। लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन घर लेकर जाए, क्यों न लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाएं। बस फिर क्या था, दामाद जी के सोचने भर की देर थी, उसने लड्डुओं से भरी थैली मिठाई की दुकान पर बेचकर नगद पैसे ले लिए और खुश होकर घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा, क्यों न घर के लिए देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू ले चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर गए जहां उनके दामाद ने मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू मांगे तो दुकानदार ने लड्डुओं की वही थैली सेठ जी को दे दी जो उनके दामाद कुछ ही देर पहले दुकानदार को बेच कर गए थे। लड्डू लेकर सेठ जी घर आए और लड्डुओं की थैली सेठानी जी को दी। लड्डुओं की वही थैली देख सेठानी जी आश्चर्यचकित रह गई। जिज्ञासावश सेठानी जी ने लड्डुओं को फोड़कर देखा तो उनमें से वही अशर्फियां निकली। अशर्फियां देख सेठानी जी ने माथा पकड़ लिया। अब सेठानी जी ने बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डुओं में अशर्फियां छुपाकर देने की बात सेठ जी को बताई। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैं कहता तो था कि अभी धन सुख उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी गई अशर्फियां फिर से घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गई। इसलिए कहा गया है, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे वही सब मिलता है। आशा करती हूँ कि यह प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और कमेंट लिखकर हमें अपने विचार भी जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।
इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।